हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लाइफ विद वर्षा। तो आज जो मेरा कॉन्सेप्ट होने वाला है वो बिल्कुल ही अलग होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है मेरे बाकी के वीडियोस से। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे तो उससे काफी अलग है। मैं पहले भी रिव्यू वगैरह करती हूँ मेरे चैनल पे, ऑनलाइन शॉपिंग के सारे रिव्यूज होते हैं, कपड़ों के सारे रिव्यूज होते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा अलग है। आज मैंने मिंत्रा और अमेजोन दो जगह से दो अलग अलग ड्रेसेस मंगाए हैं और मैं बात करने वाली हूँ उनके साइज की, उनके मटेरियल की, ऑल्सो मुझे कितने में पड़ा, प्राइस कहाँ से आपके लिए ज्यादा अच्छा है बाय करना। तो ये हम सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो में, तो मेरे साथ बने रहिए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं मिंत्रा की। मिंत्रा से मैंने ऑर्डर किया था ये वाला ड्रेस, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसकी एम्ब्रॉयडरी आप देखिए, ये कुछ इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी है, स्टोन वर्क है, थ्रेड वर्क है, सॉरी स्टोन नहीं है, थ्रेड वर्क है इसमें, कंप्लीट थ्रेड वर्क है, सिल्वर एंड गोल्ड कलर का। नेक का पैटर्न कुछ इस तरीके से है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे वी शेप दिया गया है और यहाँ पे भी कंप्लीटली एम्ब्रॉयडरी है जो कि सिल्वर और गोल्डन थ्रेड से की गई है। और नीचे कुछ इस तरीके का है कंप्लीटली, ये देखिए प्लेन है। मटेरियल की बात करूँ तो मटेरियल काफी अच्छा है इसका, फेब्रिक ये सिंथेटिक कॉटन है पर पूरी तरीके से कॉटन भी नहीं है, आई थिंक मिक्स है ये। तो पीछे से प्लेन है इस तरीके से और ये ऐसी कुर्ती मुझे रिसीव हुई है। और ब्रांड की बात करूं तो ये है इंडो एरा ब्रांड का। प्राइस की बात मैं बाद में करूंगी, प्राइस आपको बाद में बताऊंगी, इससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ दुपट्टा। ये है इसका दुपट्टा, ये आप देख सकते हैं, लेंथ जो है वो काफी अच्छी लेंथ है इसकी। और दुपट्टे में भी इस तरीके का वर्क है, सेम वर्क है जो आपको कुर्ते पे मिल जाता है, जो भी कुर्ते पे नेक पे और हैंड पे डिजाइन था सेम वही डिजाइन है, वही पैटर्न है इसके दुपट्टे में। दुपट्टा थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा सिल्क दुपट्टा भी और कंप्लीट इस तरीके का वर्क मिल जाता है। तो दुपट्टे की विड्थ ज्यादा नहीं है बट लेंथ ठीक है, ये देखिए आगे से इतना और पीछे से, तो लेंथ काफी अच्छी है पर बहुत ज्यादा चौड़ाई नहीं है, विड्थ मतलब दुपट्टा ठीक है, अच्छा है। अब बात करते हैं इसके प्लाजो की। सो गाइज, ये है इसका प्लाजो, ये आप देख सकते हैं, ये है इसका प्लाजो। एंड यहाँ पे पीछे से इस तरीके के इलास्टिक दिए गए हैं जो ज्यादातर प्लाजो में आपको मिल जाता है और आगे से इस तरीके का प्लेन है। यहाँ पे आपको इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है सेम जो कुर्ता और दुपट्टे में है, और कंप्लीट प्लाजो प्लेन है। मटेरियल की मैं बात करूं तो मटेरियल काफी अच्छा है, काफी सॉफ्ट है, अच्छा मटेरियल है इसका। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है वो है 1600 रुपए, 1600 रुपीज का ये कंप्लीट ड्रेस मुझे मिला है। तो सारी चीजें मैंने बता दी, मटेरियल भी अच्छा है, ड्रेस आपने देख ही लिया कैसा लग रहा है, पहन के भी मैं आपको दिखाई देती हूँ। इसके बाद इसका प्राइस है 1600 रुपए। अब बात करते हैं अमेजोन वाले ड्रेस की, देन आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा ज्यादा सही लगा अकॉर्डिंग टू प्राइस। अमेजोन का ये मैंने अमेजोन से मंगाया था, ये कुछ इस तरीके की कुर्ती है, ठीक है। एंड यहां पे इसके नेक पे सेम ये वर्क दिया गया है, इस तरीके का थ्रेड वर्क इसमें भी है, इस तरीके का वी शेप का है ये और थ्रेड वर्क दिया गया है, कंप्लीट इस तरीके का पैटर्न है इसमें ड्रेस में, आप देख सकते हैं। ये स्लीव्स है, 3/4 स्लीव्स है, स्लीव्स पे कोई डिजाइन नहीं है इधर भी, और ये पीछे और आगे से सेम ऐसा ही है। मटेरियल इसका कॉटन है, कंप्लीट कॉटन है, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि दोनों भी मिक्स है, जो मैंने मिंत्रा का बताया था वो और ये मटेरियल मुझे सेम ही लग रहा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो लेकिन एक चीज और, ये जो मुझे अमेजोन में जो मैंने पिक्चर देखी थी, जो फोटो देखी थी, जो देख के मैंने ऑर्डर किया था, वो मटेरियल मुझे नहीं लग रहा है, उन्होंने मटेरियल दूसरा सेंड किया हुआ है, क्योंकि कपड़े का जो फेब्रिक है, जो मटेरियल है वो काफी डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू जो वहां पे पॉपअप हो रहा था, जो पिक्चर मुझे शो हो रही थी अमेजोन पे, मैं पिक्चर भी डाल दूंगी आप देख लीजिए, तो ये उससे काफी। गाइस, ये है इसका दुपट्टा, आप दुपट्टा देख सकते हैं, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल है ये, देखिए
और बात करूं इसके लेंथ और विड्थ की, तो ये और इसका भी मैं आपको बोलूं, जो मिंत्रा का सेम मिंत्रा का जो दुपट्टे का वो था मटेरियल फैब्रिक, सेम वही फैब्रिक इसका भी है। यहाँ पे इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी दी गई है, ये देखिए। और लेंथ और विड्थ दोनों, इसका विड्थ देखिए कितना ज्यादा है इसका विड्थ, और लेंथ मतलब लंबाई और चौड़ाई फुल है इस दुपट्टे की। और दुपट्टे की खूबसूरती देखिए, कलर तो प्यारा है ही, ऑब्वियसली पिंक कलर है तो प्यारा ही लग रहा है। तो ये है इसका दुपट्टा, ड्रेस से ज्यादा दुपट्टा मुझे पसंद आया है। अब मैं बात करती हूँ, ये है प्लाजो इसका, इसमें यहाँ पे पॉकेट दिया गया है, साइड में एक साइड पॉकेट दिया गया है, और ये आगे पीछे दोनों इलास्टिक है, और कंप्लीट प्लेन प्लाजो है ये पिंक कलर का। मटेरियल फैब्रिक इसका सेम है जो उसका था। तो बात मैं करूं साइज की, तो साइज का कोई इशू नहीं है, वो वाला एक्सेल साइज है, ये एल साइज है, और दोनों भी साइज बिल्कुल परफेक्ट आया है, तो साइज का कोई इशू नहीं है। मटेरियल मुझे दोनों का सेम लगा, सिर्फ मिंत्रा में जो है उसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क थोड़ा ज्यादा है नेक पे उसके, एंड हैंड्स यहाँ पे स्लीव्स पे नेक ज्यादा है, एंड प्लाजो पे सॉरी डिजाइन ज्यादा है, बाकी सारी चीजें सेम है। दुपट्टा अमेजोन का ज्यादा अच्छा लगा। और मैं बात करूं अमेजोन की, तो अमेजोन का ये जो ड्रेस है ये आपको मिलेगा 650 रुपये में, जबकि मिंत्रा का जो मैंने आपको दिखाया वो है आपका 1600 रुपये में, तो हाफ प्राइस भी नहीं पड़ रहा है दोनों में। तो अब आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, वो वाला मुझे पड़ा है 1600 रुपये का, ये वाला पड़ा है मुझे 650 रुपये का, तो दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस आपको लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, या फिर आपको ड्रेस कौन सा अच्छा लगा वो मुझे बताइएगा। तो आप किससे बाय करना चाहेंगे, मिंत्रा से या अमेज़न? मुझे तो दोनों के ही कपड़े अच्छे लगे, कपड़े मिंत्रा के भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्राइस मुझे बहुत ही ज्यादा लगा। ये अकॉर्डिंग टू 650 रुपये, 650 ठीक है, 700 तक भी ठीक है, काफी अच्छा है, 700 का भी है अगर तो काफी अच्छा है उस प्राइस में, जो इनका प्राइस है उसके अकॉर्डिंग इनका ड्रेस ठीक है। बट जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो ड्रेस मैंने उसमें देखा था पिक्चर में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इस प्राइस में ये नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली वो अलग था, मैंने आपको डिस्प्ले में दिखा दूंगी, वो अलग था। वो अगर 1600 का होता तो आई एक्सेप्ट दैट कि वो 1600 का हो सकता था, मटेरियल फैब्रिक सब कुछ अलग लग रहा था, वो देखने में ही अलग लग रहा था, बट ये 650 का ठीक है, एंड वो भी ठीक है, बट मुझे उसका प्राइस सब कुछ अच्छा है, साइज का कोई इशू नहीं है, फैब्रिक का कोई इशू नहीं है, सब कुछ अच्छा है, बस प्राइस मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। सिर्फ मिंत्रा और अमेजोन में मुझे यही डिफरेंस लगा, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। तो आप कहाँ से ऑर्डर करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ दोनों में से कौन सा आपको ज़्यादा पसंद आया ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे रिटर्न करना है, मैं दोनों नहीं रखने वाली हूँ। बाय बाय, टेक केयर।